गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है संडे और लेबर आने वाली है वो पीवीसी लगाने के लिए। तो हम लोग क्या अपना रूम खाली कर रहे हैं, अभी यहाँ पे जगह बना रहे हैं, बेड हटेगा तो यहाँ पे इस वाली वॉल पे लगानी है। तो ये सारा सामान वगैरह सब खाली कर रहे हैं, अभी उतारेंगे अभी तो सुबह से लग गए और सुबह ही आने वाले भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अभी कुछ नाश्ता भी नहीं करा है तो फटाफट से पहले खाली कर लेते हैं। चारपाई तो है नहीं। अच्छा, ये गद्दे जा रहे हैं ऊपर क्योंकि इनमें ना धूप भी लग जाएगी और यहाँ पे जगह भी नहीं है यार, कहाँ रखेंगे। देखने वाला बेड भर चुका है पूरा और जीनू के मजा आ गया, वो टॉयलेट निकाले आ रही है बास्केट में से आराम से, उसे मजा आ रहा है। तो यार ये बेड तो खाली हो गया है, अब रूम में आवाज़ ना गूंज रही है बहुत। और ये देखो अभी हमारी वॉल ऐसी लग रही है, कितनी बेकार लग रही है ना, बट जब ये सही हो जाएगी ना तो बहुत अच्छी लगेगी। काम स्टार्ट हो गया लगना ऊपर लगाया है पतला सा ना, ऊपर पहले लगाई है कॉर्नर पे और फिर नीचे लगाई है, उसके बाद इसको पैनल को फंसाना स्टार्ट कर दिया। साइड साइड से सब पे कीले ठोकते आ रहे हैं। ये भैया दीवार की नाप ले रहे हैं, जितनी दीवार है उतना कट कर लेते हैं साइड से। ये भैया यूजलेस हो जाते हैं जो बच्चे रहे। अच्छा, जैसे ये वर्टिकली चल रहे हैं ना लाइंस, ये फिर ऐसे टेढ़े होकर हॉरिजॉन्टली हो जाएंगे ऐसे। अच्छा, छोटे छोटे टुकड़े क्योंकि आपस में फंसते चले जाते हैं तो तुम्हें पता नहीं चलता कि टुकड़े हैं या क्या है, एक जैसे ही लगता है। इतना कट लगा दिया भैया ने, इसमें तार निकला है, तार निकला है तो बिल्कुल ऐसे, ये सही है ऐसी वो स्विच बोर्ड है जाएगा। अच्छा, तो ये एंड में भैया जो है एलपी से चिपका रहे हैं और ये पूरी लग गई है। तो दोस्तों कमेंट करके ये जरूर बताना कैसी लगी वॉल। गाइस अभी तो ये मर्ज हो रहा है इस वाले पेंट के साथ, तो हम इसमें भी इस वाली वॉल पे ना पेंट करवाएंगे डार्क कलर का, तभी एकदम निकल के आया क्योंकि पेंट हमें कराना ही है, सीलन वीलन सी आ रही है सब पे, तो इन वॉल पे ना पेंट करा लेंगे तब निकल के आएगा ये। और हाँ हम बाहर का भी सोच रहे हैं क्योंकि भैया ने आइडिया दे दिया कि इस पे चैनल लगा देंगे वो, अभी हम जा रहे हैं तो इसके लिए भी हम देख के आ रहे हैं, पसंद करके आएंगे डिज़ाइन। और ये जो है ना ये वॉशेबल होता है, मतलब कोई आपका दाग वाग पड़ गया तो कॉलिन वगैरह मार के कपड़े साफ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि दाग लगा ही रहेगा। और कील वील ठुक जाती है इस पे? नहीं, ड्रिल करवाना पड़ता है, ड्रिल करवाना पड़ता है अंदर दीवार में, वेट नहीं आना चाहिए नहीं तो फिर वो है तो प्लास्टिक का ही तो दिक्कत देता है। ड्रिल करवा सकते हैं क्योंकि अंदर दीवार तक चली आएगी ना कील, तो दिक्कत नहीं इस पे ना, ज्यादा वेट नहीं डाल सकते तो इसलिए ये किसका डिसएडवांटेज है। हाँ ये डिसएडवांटेज है, बाकी तो सही है। और देखो फटाफट से लग गया, कितने टाइम लग गया हमें, एक दो घंटे में, डेढ़ घंटे में लग गया ये रेडी हो गया। और ना ज़्यादा झंझटबाजी हुई, पेंट में बहुत झंझटबाजी हो जाती है और सीलन में तो खैर काम ही नहीं करता पेंट, सीलन में ये बहुत सही है। शुक्ला जी बड़े गौर से देख रहे हैं अंदर घुस घुस के, कैसा लगा तुम्हें अपना घर? सही है, तो बढ़िया लग रहा है। है बाकी देखते हैं, अभी तो इन्हें और पैसा खर्च करना है, अभी ना वॉल पे पेंट कराना है पूरे घर पे, बजट खत्म हो गया शुक्ला जी के पैसे खत्म। अब अगले महीने सोचेंगे पेंट करवाने का, इतना बहुत है। नहीं करवा लेंगे, थोड़ी सर्दियाँ कम हो जाए ना क्योंकि सूखता नहीं है और जीनी छोटी है तो उसे सर्दी जुकाम लग सकता है, तो सर्दियाँ कम हो जाएंगी फिर हम पेंट करेंगे। जीनू को बहुत खुशी हो रही है। और ये लाइट और जला दी है तो इसमें कह रही है बैठो। ये जलाती नहीं हूँ, मोस्टली बंद रखती हूँ। और ये बाहर एसी का पाइप जा रहा था ना,
तो इसके लिए भैया ने लोहे का चैनल बनाया है और उसके बाद ये पैनल फंसाते जा रहे हैं एक एक करके। और पैनल फंसाने के बाद ड्रिल से उसको मजबूत कर रहे हैं कीले लगा के। अच्छा लग रहा है। तो भाई ये देखो फाइनल लुक कितनी बढ़िया लग रही है ना, वॉल बहुत मस्त लग रही है और ऐसा लग रहा है ये फॉल सीलिंग हो गई हो, तो ये लुक काफी अच्छा रहा है। इसके इसके नीचे ना हम सोच रहे हैं लाइटिंग लगा देंगे, चिपकाने वाली लाइट लगा देंगे तो वो अच्छी लगेगी। ये जो अंदर लगे थे ना डेकोरेशन वाले, ये हमने यहाँ फिट करा दिए और अभी सब कुछ फैला हुआ है, सब साफ करना है। हालत देखो क्या हो गई है, बट यार सुकून मिलता है ये देख के। ये तो मैं अभी सब साफ कर दूंगी और अंदर वाली तो मैंने दिखाई दी थी, बाहर डार्क करा दिया हमने, अंदर लाइट करा दिया। दिन लग गया, पूरा दिन लग गया यार। 7 बज गए हैं। अभी देखो कैसा पड़ा हुआ है। हाँ मैंने दिखा, चले गए लेट हो रहे थे बट वो अपना नंबर दे गए तो मैं आपको उनका नंबर दे दूंगी। चलो यार साफ कर लेते हैं। और आपको कैसी लगी है वॉल कमेंट करके जरूर बताना, दोनों में से कौन सी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। यहाँ हम दोनों फिर फटाफट लग गए सफाई में और ये कुछ पैनल कटे कटे ना बच गए हैं तो हमने अभी तो इन्हें रख दिया, हो सकता है काम आ जाए, और बाकी जो बेकार है वो सब फेंक दिए हमने फिर। और छोटा छोटा काटा था ना भैया ने तो बुरादा बुरादा बहुत हो गया था, तो पूरे घर पर छा गया है वो बुरादा बुरादा। तो अभी मोटा मोटा तो साफ़ कर रही हूँ मैं, बाकी सब मैं कल साफ़ करूँगी फिर। भाई अब हो जाके फ्री हुए हैं खाने पीने से, सब डिनर बनाया मैंने, सब कुछ काम धाम कर लिया है। साफ सफाई के बाद एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। और नीनू की हालत देखो, आज नहाई है बेचारी, ना कुछ किया इसने। क्या था मुंह लग रहा है उसका, सच में यार कमर की बैंड बज गई है। मतलब काम तो लेबर करते हैं बट खुद की हालत खराब हो जाती है साथ में। साफ सफाई हो गई है, सब झाड़ू पोंछा सब कर दिया है। हाथी फेंकूंगी मैं, ये सारी शो बिगाड़ते और ये मंकी भी। शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या हालत हो गई यार तुम्हारी? यार चाय पिला दूं। मुझे खुद ऐसा लग रहा है पता है कि कोई चाय बना के दे दे, मन तो बहुत कर रहा है पीने का, सिर में दर्द हो रहा है और कमर में भी अनका, बट हिम्मत नहीं हो रही किसी की भी चाय बनाने की। मिलते हैं कल दोबारा से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।